हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात कर रहे यार कि हायर परचेज सिस्टम आपको मैंने पढ़ा रहा था, और लास्ट क्लास में हमने आपका सब्सट्रैक्शन मेथड का क्वेश्चन बताए थे और जर्नल एंट्री भी करके दिखाए थे कि अगर सब्सट्रैक्शन मेथड में क्वेश्चन देगा तो आपको बनाना कैसे है, और साथ साथ मैंने बताया था जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। यार आज का क्लास भी ना बच्चे नए मेथड के साथ कुछ खास लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। लगातार पूरा वीडियो को वॉच करें, ठीक है? और अब तक अगर आपने पहले का वीडियो देखा है और लग रहा है कि हाँ सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड को शेयर कीजिए। आगे भी यह चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट ईयर में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है? चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बच्चे हम सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मैंने यह बताया था कि एडिशन मेथड और सब्सट्रैक्शन मेथड में कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आज के क्लास में ना यार यह सोचिए कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गिवेन ना हो। अभी पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता था, 5%, 10% दिया हुआ रहता था और हम लोग कैलकुलेट करते थे। सपोज दैट अब क्वेश्चन में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन ही ना हो, तब हम लोग इंटरेस्ट का और कैश प्राइस के अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन नहीं रहेगा, तब हम लोग इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। सपोज दैट बच्चे आप देखिएगा, आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया हुआ है 27,300, 27,300 का कैश प्राइस दिया हुआ है, और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि डाउन पेमेंट बोल रहा है कि 6,000 का है। डाउन पेमेंट कितना का है? 6,000 का है, और यह बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वह भी 6,000 का है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का बात करें तो वह भी 6,000 का है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अगर हम बात करें तो वह भी आपका 6,000 दिया हुआ है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अगर हम बात करें तो वह भी आपका 6,000 दिया हुआ है, ठीक है? और दिया हुआ है सपोज दैट यहाँ रेट ऑफ, या छोड़िए यार, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम यहाँ नहीं डालते हैं, ठीक है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको दे देगा 10%, 15%, 20%, सेम कैश प्राइस पे जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में एक लाइन और बोल दिया कि फाइंड इंटरेस्ट। अब आप देखिएगा कि अब तक बोल रहा था कि भाई अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है उसको आप निकाल करके बताएं, लेकिन वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ना बच्चे वो गिवेन था। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन था, लेकिन यहाँ पे तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ ही नहीं है भाई। कैश प्राइस दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया और इंस्टॉलमेंट दे दिया, ठीक है? जब क्वेश्चन को आप, सबसे फर्स्ट स्टेप है बच्चे क्वेश्चन का कि आप एकदम प्रॉपरली इस तरीके से लिख दो, ठीक है, तब बनाना चालू करेंगे। बनाने का मजा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं यार बनाना बनाना है अब आपको। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे आप टोटल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर जी? टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो आप यह देखिए कि अमाउंट पेड,
अमाउंट पेड, जितना अमाउंट आपने पेड करा है, जितना अमाउंट हमने वेंडर को पेड करा है, जितना अमाउंट हमने वेंडर को दिया है, अगर उस में से टोटल कैश प्राइस, जो तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस अगर घटा देंगे, तो मतलब जितना हमने पेड करा है उसमें से अगर टोटल कैश प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बच रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट जो होगा वह हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। क्योंकि भैया जी हमने ज्यादा अमाउंट पेड करा होगा और कैश प्राइस हमारा कम होगा, तो वहां पे टोटल इंटरेस्ट हमें निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमने पेड कितना किया है। अब देखिए कि 4 इंस्टॉलमेंट 6,000 का है ना, तो 24,000 तो यह हो गया, और 6,000 का डाउन पेमेंट भी है, तो टोटल हम जो पेड कर रहे हैं अमाउंट बच्चे वह हम पेड कर रहे हैं 30,000। कितना पेड कर रहे हैं? 30,000 पेड कर रहे हैं। कितना पेड कर रहे हैं सर? 30,000 पेड कर रहे हैं। और कैश प्राइस जो दिया हुआ है टोटल कैश प्राइस क्वेश्चन में वह 27,300 का है, 27,300 का है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि डिफरेंस आ रहा है, हमने पेड करा 30,000 और यहाँ पे टोटल कैश प्राइस जो है दिया वो 27,300 आ रहा है, मतलब 2,700 2,700 का अमाउंट ज्यादा है, और यही हम लोग का निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट। या हमारा क्या निकल गया? टोटल इंटरेस्ट निकल गया कि सर जी जो सामान हमने 27,300 में, मतलब अगर कैश में खरीदे इंस्टॉलमेंट के साथ खरीदे, तो 30,000 देना पड़ गया, और हमारा कैश प्राइस जो है वह हो गया हमारा आपका 27,300, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 2,700। सबसे पहला वर्किंग नोट आप यह कर लीजिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहला वर्किंग नोट आपका नंबर 1 ये रहा, ठीक है। अब उसके आगे चलते बच्चे, यार स्क्रीनशॉट करते चलिए बच्चे, समझते चलिए, राइट डाउन करते चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमको कॉलम में थोड़ा चेंजिंग करेंगे। देखिए बच्चे, यहां पे हम लोग बना रहे थे 3 कॉलम, अब तक हमने कितना कॉलम बनाया था? 3 कॉलम बनाए थे, 3 ही कॉलम बनाए थे ना यार, ठीक है। पहला आपका कैश प्राइस, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा इंस्टॉलमेंट का, ये कॉलम था। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम लोग यहां पे देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा, देख रहे हैं क्या क्या, और यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पीछे से कोई कुछ बोल रहा है का यार? आवाज आ रहा था हमको। देखिए आप बोल रहे हैं यही ना कि सर जी इंटरेस्ट तो टोटल निकाल दिए फिर कायला। देखिए बच्चे, हमको टोटल इंटरेस्ट से ज्यादा मतलब है कि जितना इंस्टॉलमेंट हम पेड कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो हमें वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है कि जो हम अलग अलग 6,000 का इंस्टॉलमेंट दिए हैं, उस अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट शामिल है वो निकालना, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखेगा कॉलम में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पूरा लिख लीजिए बच्चे। दूसरा वाले में लिखेगा ड्यू इंस्टॉलमेंट, ड्यू इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड कॉलम में लिखेगा आपका इंटरेस्ट, थर्ड कॉलम में क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। और चौथा कॉलम जो होगा ना वह हो जाएगा कैश प्राइस से रिलेटेड। क्या लिखेंगे? कैश प्राइस। पक्का? किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चे? समझ में आ रहा है? कंफर्म है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए आगे अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट था सर जी? देखिए एक वो डाउन पेमेंट था ना, और 4 वो इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट था सर। तो
टोटल चार इंस्टॉलमेंट था ना, तो यहां पे लिखेंगे हम सबसे पहले। देखिए इधर, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद आता है ड्यू इंस्टॉलमेंट। ड्यू इंस्टॉलमेंट समझिए बच्चे, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं ना, एक ओवर में कितना बॉल होता है, 6 बॉल होता है। पहला बॉल क्रिकेटर फेक बॉलर पहला बॉल बॉलर फेंकने वाला है, कितना बॉल फेंकना बाकी है, 5 बोल रहे हैं। अरे सही में आपको कैलकुलेशन नहीं आता यार, हम क्या बोले, थोड़ा ठीक से सुनिए कि पहला बॉल फेंकने वाला है, फेंका नहीं अभी, फेंकने वाला है, तभी 6 बॉल फेंकना बाकी है ना यार, अगर फेंक देता तब बाकी रहता यार 5 बॉल, अभी पहला बॉल फेंकने वाला है तो 6 बॉल पूरा फेंकना बाकी है, 5 बॉल नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पे आपका ड्यू इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट देना वाला है, पहला इंस्टॉलमेंट देने वाला है, तो कितना इंस्टॉलमेंट देना बाकी है सर जी, 4। अब एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब कितना देना है और सर जी, 3। एक और दे दिया, अब कितना देना है, 2, और अब 1। ठीक है, इसको टोटल कर लीजिएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट का बारी आता है बच्चे कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए यह रेशियो मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, रेशियो मान लेंगे, इसको रेशियो मान लेंगे, 4:3:2:1, और टोटल जो इंटरेस्ट निकला है ना बच्चे, उसको इस रेशियो में कैटेगराइज करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट निकला 2700 × 4/10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 1080, 1080, यही आएगा ना। ठीक है, अब यहां पे बच्चे कैश प्राइज में, सर जी पहला इंस्टॉलमेंट 6000 का था जिसमें इंटरेस्ट शामिल है 1080, तो आपका जो कैश प्राइज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 4920 होगा, पक्का। यही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल था 1080, ठीक है बच्चे, और यहां पे 6000 का इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे थे जिसमें 1080 तो इंटरेस्ट है, तो आपका कैश प्राइस जो उसमें पेड कर रहे थे ना, 4920 का था, 4920 का था, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय पैसा देंगे, कितना इंटरेस्ट था, तो 2700 × 3/10, 8 1 0 ये आ जाएगा। आप फिर बोलेंगे सर जी 6000 का इंस्टॉलमेंट था और 810 जो है ना वह इंटरेस्ट है, ठीक है, तो यहां पे 5190 ये आपका हो जाएगा कैश प्राइज, ठीक है, यह आपका कैश प्राइज हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में चलेंगे कि सर जी फिर 2700 का इंटरेस्ट था टोटल, और 2/10 होगा इंटरेस्ट, क्लियर, तो 540 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर बोलेंगे सर जी 6000 का इंस्टॉलमेंट दे रहे थे ना, जिसमें से 540 जो है वह हमारा इंटरेस्ट था, वह हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे 5460, ठीक है, यह आपका कैश प्राइस हो गया। फिर लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में 2700 टोटल इंटरेस्ट इंटू 1/10, तो यहां पे आ जाएगा 270 होगा ना, 270। आप फिर देखेंगे कि सर जी 6000 का इंस्टॉलमेंट था, 270 यहां पे आपका ये हो जाएगा, तो 5730, ठीक है, यह कैश प्राइस निकल गया। और इस तरीके से हम बच्चे इसमें इंटरेस्ट का और कैश प्राइज का कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीके से हम इंटरेस्ट और कैश प्राइज का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, और समझ में आ रहा है, अच्छा है।
अब जर्नल एंट्री का बारी। देखिए जर्नल कैसे कीजिएगा बच्चे, जर्नल एंट्री कैसे कीजिएगा। देखिए सबसे पहला तो यार आपका फर्स्ट ईयर का अगर बात करें, देखिए जर्नल करके दिखा रहे, समझिएगा सेम एंट्री होगा यहाँ पे भी। जैसे अगर फर्स्ट ईयर का बात हो रहा था, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम एंट्री करके दिखा रहे हैं। आपका पहला था आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, होता है ना, परचेजर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। नरेशन बींग डाउन पेमेंट मेड, डाउन पेमेंट दे रहा है बच्चे। फर्स्ट टाइम जब एग्रीमेंट मनी या साइनिंग मनी कितना दिया हुआ था आपका, 6,000 का, 6,000 लिख दिए। अब सेकेंड एंट्री पास करेगा आपका तो क्या एंट्री हो जाएगा, एसेट्स, एसेट का नाम दिया रहेगा तो नाम लिखेगा अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर अकाउंट, होगा ना। अब सर जी इसमें एसेट वाले में क्या आ जाएगा, देखिए बच्चे समझिए। देखिए यहां पे एसेट वाले में 4920 जो कैश प्राइस आया है, इंटरेस्ट वाले में 1080 और दोनों जोड़ करके क्या आपका वेंडर वाले में 4920, 4920, 1080, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 6,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बींग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। फिर थर्ड एंट्री का बात करेंगे बच्चे, तो थर्ड एंट्री में हम लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट आर टू बैंक अकाउंट 6,000 और 6,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चौथा बच्चे डेप्रिसिएशन का एंट्री अब तक करते आ रहे थे, तो डेप्रिसिएशन का रेट इसमें नहीं दिया हुआ है तो एंट्री नहीं करेंगे। अगर दिया हुआ रहता तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट करते, ठीक है। लेकिन पांचवा एंट्री यहां पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ नहीं था बच्चे तो वो लिखेंगे नहीं, और इंटरेस्ट को ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो 1080, 1080, ठीक है। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। यह देखिए बच्चे यह आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, यह जो एंट्री हमने करा यह आपका फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया, ठीक है। यह एंट्री आपका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट एंट्री है। क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का भी कर सकते हैं बच्चे, क्या हुआ कर दें, ठीक है। सेकेंड ईयर भी करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देख रहे बच्चे यहां पे मैंने सेकेंड ईयर का एंट्री कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट 5190, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 8,102, टू हायर वेंडर अकाउंट 6,000, सारा डाउन पेमेंट का एंट्री। देखिए बच्चे डाउन पेमेंट का एंट्री बस एक बार होता है, बार बार नहीं होगा। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, परचेजर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। थर्ड ईयर भी सेम होगा और फोर्थ ईयर भी सेम होगा। देखिए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर भी करके दिखाते हैं बच्चे, हाँ बच्चे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एंट्री देखिए यार। थर्ड ईयर वाले में एसेट अकाउंट डेबिट 5460 था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 540 और टू हायर वेंडर अकाउंट 6,000। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपका 6,000, 6,000 हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट 540, ठीक है। सेम उसी तरीके से फोर्थ ईयर वाला एंट्री किए हैं, ठीक है।
चौथे साल में आपका एसेट्स का वैल्यू 5730 5730, इंटरेस्ट अकाउंट में 270 और टू हायर वेंडर अकाउंट 6000, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट में टू बैंक अकाउंट में 6000 है और प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट वाले में 270, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से निकालेगा, और जर्नल तो यार जैसे पहले कर रहे थे बच्चे वैसे ही किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड बताने वाले हैं। प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा, बहुत ज्यादा खास है बच्चे, पूछ देता है एग्जाम में, तो पढ़ना जरूरी है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास प्रोडक्ट मेथड को पढ़ते हैं। यार चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो और पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो यार खुद भी देखें और दोस्त को दिखाएं, और अगर महरारू है ना तो करो दिखा दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।